देखिए, मैं अपनी बहन की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहन ने वहाँ मस्जिद के नीचे सारा मंदिर होने के सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, सारी वजह बताई। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 1991 में एक्ट बन रहा था, वहाँ पे मुश्किल से 2 से 3% जो सांसद है वो मुस्लिम है, बाकी सारे हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है तो और दूसरे मजहब मुस्लिम नहीं है। यानी उन सब ने ये एक बाकायदा ये सहमति के साथ एक्ट बनाया कि भाई अब ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। नहीं तो यही और तो मुस्लिम अगर तुष्टिकरण की राजनीति है ना, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं है, यही तो मुस्लिम ये देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जाने की पहल थी। ग्लोबलाइजेशन की तरफ देश जा रहा था, देश को विश्वगुरु बनाना था, देश को इस तरह के ये जो मंदिर जो है तो वहां पर आप साइंटिफिक मंदिर मस्जिद के झगड़ों से बाहर निकालना था। लाउडस्पीकर, हिजाब, सब कुछ आपके धर्म का हिस्सा। ये सब लाउडस्पीकर और हिजाब, ये सब इनकी पैदाइश है। एक सेकंड, एक सेकंड अजय गौतम जी, देखिए सुनिए, अभी मेरे काबिल दोस्त ने इल्जाम लगाया कि धर्म में भेदभाव होता है। साइंटिफिक टेंपर नहीं, साइंटिफिक टेंपर में मैं आता हूँ। आप बता दीजिए, ये जो अलीमुद्दीन साहब खड़े हैं, आप शियाओं को मुसलमान मानते हैं, अहमदियाओं को मानते हैं? अभी पूछे जरा। अहमदी मुसलमान नहीं है, बस हो गया, नहीं हो गया। शिया कहता है भेदभाव क्या है? शिया आप जैन को हिंदू मानते हैं? मस्जिदों में जाते हैं आप? अजय गौतम जी, मेरी बात करिए, आप हिंदुओं में मैं तो आपको हिंदू मानते हैं? आपके यहाँ छिहत्तर फिरके हैं और हिंदू मानते हैं? ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है। आपने देखा मुद्दे से बाहर जाके बात करना, इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है। पहले ये देश को जो फेल करने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे देश को जो आप सुन नहीं रहे ना, अब आप सुन नहीं रहे, यही आपकी इंटॉलरेंस है। सच का सामना आप कर ही नहीं सकते, आप कान सुन तो लीजिए। आप तीनों की बात कोई समझ नहीं पा रहा है, एक एक करके, एक एक करके। पहले अजय गौतम जी अपनी बात रख लें। ये चीज बिल्कुल एक निश्चित बात है कि मुस्लिम आक्रांता जो थे, जो चोर लुटेरे इस देश में आए, चाहे सोमनाथ का मंदिर हमारा लूटा हो, बिल्कुल, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा हो, ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां मंदिरों को तोड़ के मस्जिद तामील। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और इसको ये तो आप बाबरनामा पढ़ लीजिए, शाहजहानामा पढ़ लीजिए, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि आज मैंने इतने हिंदुओं को कत्ल करके उनको मैंने आप सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। अजय गौतम जी आप अपनी बात रखिए सर। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ, इस देश के अंदर जितना हम ये मानते हैं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर क्यों बना, हजार कम से कम 40,000 करोड़ का फंड है जो मुसलमानों को जाता है, हमें तराज नहीं करते। 5,000? अरे भाई सुन लो यार, सुन लो ना, 40 क्यों कह रहे हैं आप? पासबुक लेके जेब में आए हो क्या? छोड़ो ना इस बात को, आपने करेक्ट कर दिया, 40,000 करोड़ नहीं है, 5,000 करोड़। पांच साल में बता रहा हूँ, 5 साल आपने टोटल बताया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ये जो गंगा और यमुनी जो शब्द है ना, मैं आज आपको एबीपी के दर्शकों के सामने बता देता हूँ। जब इब्राहिम लोदी आया था हिंदुस्तान में, तो उसने 10,000 हिंदुओं को कत्ल करके उनके धड़ों को गंगा में डाला था, और 5,000 हिंदुओं को कत्ल करके यमुना में डाला था, तब ये शब्द बना था गंगा जमुनी, जो हिंदुओं से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया भर का सबूत है ये, जो ये ज्ञान बाबी मस्जिद खुद सबूत है। बताइए आपका नेशनल जन्म भूमि से क्या है? नमाज तो आप सड़क पर भी पढ़ते हो, नमाज तो आप एयरपोर्ट पर भी पढ़ते हो, नमाज तो आप रेल पर पढ़ते हो, नमाज तो आप पार्क में पढ़ते हो, फिर हिंदुओं के धर्म को क्या कहते हैं? कौन सी आप उल्टे सीधे आकर ले रहे? ठीक है, आप उल्टे सीधे आकर ले रहे। नमाज आप देखिए, मेरे भगवान का सुनिए, मैं 10 सेकंड उसके बाद में बोलने दीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, ठीक है, उसके साथ मेरा तो ये नाता है, मेरे भगवान का जन्म का स्थान है, ठीक है। आप तो नमाज तो सड़क पे ही पढ़ते हैं, हमें कभी इतराज है? फिर भी हम अपने मौलाना साहब, ठीक है, मौलाना साहब ठीक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।